कोलकाता से विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। सीएम ममता की रैली में जुटे 22 पार्टियों के 44 नेता। यूनाइटेड इंडिया रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। टीएमसी ने 8 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया। सीएम ममता का मोदी सरकार पर वार, कहा पश्चिम बंगाल के साथ देश से भी बीजेपी को मंगाएंगे। ममता ने रफेल और बैंक घोटाले का उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी के साथ हो रहो तो ठीक, नहीं तो चोर। जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। रैली में शामिल पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मोदी के बजाय मुद्दों को मुद्दा बनाने की सलाह देते हैं। यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर सरकारी आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप, कहा मोदी सरकार ने विकास नहीं सबका विनाश किया है। रैली में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा ने उठाया रफेल का मुद्दा, कहा छिपाने से होता है शक की चौकीदार चोर है। दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। ममता के मंच पर बोले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बोले देश की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही व्यक्ति से पार्टी और पार्टी से देश बड़ा। दुश्मन खेमे शत्रुघ्न की मौजूदगी पर भड़की बीजेपी। राजीव प्रताप रूडी ने कहा पार्टी ने लिया है संज्ञान, कुछ नेता अवसरवादी। तेजस्वी ने कहा प्रधानमंत्री भले खुद को देश का चौकीदार बताते हो लेकिन देश की जनता थानेदार। तेजस्वी ने पीएम मोदी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया, कहा वो इस फैक्ट्री के खुद ही करता धरता। तेजस्वी ने कोलकाता में बिहार के लोगों को ललकारा, कहा मोदी राज में नहीं मिला बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, इसका चुनाव मेरो बदला। देर से ममता के मंच पर पहुंचे तेजस्वी ने मोदी शाह पर फोड़ा देरी का ठीकरा, ईडी सीबीआई और के केसों का दिया हवाला। ममता की रैली में खुद नहीं जाकर अपना प्रतिनिधि भेजने वाली मायावती ने दिया बयान, हम एकजुट हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया नारा एक नया भारत बनाएंगे बीजेपी को भगाएंगे, जनता की यही पुकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। शरद यादव ने कहा देश की आजादी बचाना है, मोदी सरकार को हटाना है। फारूक अब्दुल्ला का आरोप जम्मू कश्मीर को इस हालत में पहुंचाने वाली मोदी सरकार है, मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन इस देश का भारत का हिस्सा हूं। फारूक अब्दुल्ला बोले मणिपुर हो या नागालैंड हर तरफ बीजेपी लगा रही है आग, एक सीट पर विपक्ष के एक उम्मीदवार की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने महिला अधिकार की उठाई आवाज, कहा 3 तलाक बिल तो पास हो गया लेकिन अब संसद में अटका है महिला आरक्षण बिल। अखिलेश ने कहा बंगाल से उठी आवाज, देश में गूंजी एसपी बीएसपी गठबंधन से बीजेपी में मची खलबली। अखिलेश ने जताई आशंका बीजेपी रचेगी साजिश, उससे बचकर विपक्ष के उम्मीदवार को जनता बनाए मजबूत। अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए मोदी शाह की जोड़ी को बताया खतरनाक, बोले मोदी शाह जाने वाले हैं देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। केजरीवाल का आरोप नोटबंदी से देश में 1.25 करोड़ नौकरियां हुई खत्म। केजरीवाल ने मोदी शाह पर लगाया देश में जहर घोलने का आरोप, कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पीएम मोदी खा भी रहे हैं और चुनिंदा लोगों को खिला भी रहे हैं, मन से पड़ा सूर्य राहुल का संदेश। शरद पवार ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप संवैधानिक संस्थाओं के साथ मीडिया को निशाना बना रही है सरकार। ममता की रैली के पहले वक्ता रहे हार्दिक पटेल, मोदी सरकार के खिलाफ ठोकी ताल, दिया नारा सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से। ममता की रैली के दूसरे वक्ता रहे जिग्नेश मेवाणी, भीमा कोरेगांव हिंसा में अरबन नक्सलियों की गिरफ्तारी का उठाया मुद्दा। झारखंड से पहुंचे जेएम नेता हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर दलितों और आदिवासियों के शोषण का लगाया आरोप, 2019 में सांप्रदायिक ताकतों को देंगे जवाब। विपक्षी महारैली के दौरान दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजीव प्रताप रूडी ने कहा सिर्फ पीएम मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है विपक्ष। विपक्ष की रैली में शामिल बागियों से खफा बीजेपी, रूडी ने इशारों में बताया वो कपरफ। राजीव प्रताप रूडी का दावा मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं लेकिन सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। सिलवासा में पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, विपक्ष पर किया वार, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने में हो रही है विपक्ष को दिक्कत। पीएम मोदी ने कहा महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं देश की जनता के खिलाफ। सूरत में पीएम मोदी ने L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण, गाड़ी परिसर में घूमे रक्षा मंत्री भी किसान।
मेक इन इंडिया के तहत बना है LNT आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स। पीएम ने यहां बनने वाले टैंकों का निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर में आप अपनी मां से भी की मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात का हुआ चले गया। रामलीला मैदान में कल दिल्ली बीजेपी करेगी युवा महासंकल्प रैली। 30,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ जुटाने की कोशिश। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी 10% सवर्ण आरक्षण लागू। जयराम कैबिनेट लगाई मोहर। कर्नाटक के सियासी नाटक में अब सीएम कुमार स्वामी की धमकी। 48 घंटे में बीजेपी से विधायकों को छीनने का दावा। येदुरप्पा का बयान, कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं। कांग्रेस और JDS ना करें इसकी चिंता। कर्नाटक में कुनबा बचाने की कोशिश में कांग्रेस। रिसोर्ट में विधायकों को बैठक जारी। मानेसर में ठहरे कर्नाटक बीजेपी के विधायकों को पार्टी ने भेजा फरमान, कर्नाटक वापस बुलाया। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के काटे गए नाम। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची से गायब। JNU में देशद्रोह से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार की 6 फरवरी से पहले लेनी होगी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने पुलिस पर कोर्ट में झूठ बोलने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस को झूठा करार देने के साथ केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार का किया समर्थन। कश्मीरी पंडितों ने आज दिल्ली में राजघाट पर किया प्रदर्शन, घर वापसी के लिए की गुहार। स्वाइन फ्लू से पीड़ित अमित शाह से मिले कैलाश विजयवर्गीय, एम्स जाकर जा रहा सेहत कार्ड। अनंतनाग में आज हुआ धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के खारदुंगला में बर्फ के ढेर से निकाले गए 2 और शव। कुल 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 3 अब तक लापता। कल सुबह बर्फीले तूफान के बाद बर्फ के पहाड़ में दबे थे 10 लोग। -20 डिग्री तापमान में रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी से बड़ी परेशानी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फबारी के साथ कश्मीर घाटी में जारी रिकॉर्ड तोड़ ठंड का कहर। पाइपलाइन जमने के साथ से स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबत। मौसम विभाग ने कश्मीर के 6 जिलों में जारी किया बर्फीले तूफान का अलर्ट, अगले 24 घंटे तक सतर्क रहने का निर्देश। प्रयागराज के कुंभ में आग ने फिर मचाई दहशत, लपटों में गिरे सेक्टर 13 के कुछ पंडाल, शॉर्ट सर्किट से आग निकलने की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने बुझाई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केराना में SHO भगत सिंह को मिली तबादले पर बारात जैसी विदाई, घोड़े पर बैठे SHO पर लुटाए गए नोट। श्रावस्ती जिले में जहरीली सरसों का साग खाने से 3 सगे भाइयों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। फतेहाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली बात, वारदात, चाचा ने किया 12 साल के भतीजी का रेप। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप, खुलासे के डर से बदमाशों ने लड़की को छत से फेंका, पीड़ित की हालत नाजुक। रामपुर पुलिस ने लुटेरे गैंग को दबोचा, अलग अलग राज्यों में वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। झज्जर में मोबाइल दुकान में से 3 चोरों ने लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ किया। संभल में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बाइक लुटेरे, 8 बाइक सहित हथियार बरामद। झांसी में शराब तस्करों का आतंक, छापा मारने गई पुलिस पर फायरिंग, कई पुलिस वालों को बनाया बंधक। लखनऊ में दरोगा की दादागिरी का वीडियो वायरल, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती महिला के साथ दुर्सलूक की। कटिहार में सामने आई कलियुगी बेटे की करतूत, जमीन की लड़ाई में बूढ़े पिता को रॉड से पीटा। गाजीपुर में छात्रों की पुलिस से झड़प, BEd की परीक्षा में यूनिवर्सिटी की मनमानी वसूली के बाद सड़क पर उतरे छात्र। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरों की मौज, चंद मिनटों में ही बाइक लेकर चंपत, CCTV में तस्वीरें कैद। UP के बरेली में स्वाइन फ्लू ने पसारा पांव, एक महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना। कटिहार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने सुबह सुबह घात लगाकर किया हमला। उज्जैन में स्कूल हॉस्टल में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, वार्डन ने बेरहमी से छात्र को पीटा। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद, सरेआम 6 नकाबपोशों की फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने धरपकड़ तेज की। भागलपुर में एक शादी में दिखा अनोखा नजारा, शराब के नशे में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। भरतपुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने रेप का जताया शक, पुलिस को मिला सुसाइड नोट।
जमशेदपुर के एक्सलराई में छात्र की संदिग्ध मौत पर सनसनी, पुलिस के मुताबिक ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई मौत। मुजफ्फरनगर में लड़कियों का कोहराम, सरे बाजार जमकर चले हॉकी। दिल्ली में दो पुलिस वालों के सस्पेंशन पर हंगामा, सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल पर पुलिस वालों पर फूटा फीकरा, सस्पेंशन वापस लेने की मांग। संभल में बिजली चोरी रोकने गए बिजली कर्मचारियों की गांव वालों से झड़प, कई कर्मचारी जख्मी। कानपुर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल, तस्वीरों में चार लड़के बरसा रहे घूसेला। सोनीपत में अवैध संबंध में एक महिला की हत्या, मुंह बोले देवर ने भाभी की हत्या के बाद की खुदकुशी। पलवल में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, बदमाशों ने गाड़ी में अगवा कर बनाया हवस का शिकार, पॉस्को के तहत मामला दर्ज। छतरपुर में सरकारी अफसर के घर पर खुलेआम फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस के मुताबिक मामला मुआवजे के लेन देन का। दिल्ली में अवैध कसीनो पर छापा, 60 लोग हिरासत में, नाबालिग गैम्बलिंग एक्ट में मामला दर्ज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।